हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन दिया वो हमने क्या दिया है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोन प्रिज्म ऑफ बेस साइड 25 mm एंड हाइट 60 mm लॉन्ग। ठीक है ना, इतना है। मतलब आपको क्या करना है, हेक्सागोन प्रिज्म बनाना है। जो हेक्सागोन प्रिज्म आपने देखे हैं पहले, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हेक्सागोन प्रिज्म, हमें इसी को बनाना है। ठीक है ना, क्लियर। अब वो कैसे बनाएंगे, तो हमारा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले तो आपको यही बनाना होगा, इसका फ्रंट और टॉप बनाना होगा। ठीक है ना, तो आपको पता है फ्रंट और टॉप क्या होता है, या तो आपको फ्रंट में रेक्टेंगल दिखेगा, या फिर फ्रंट में आपको ये चीज दिखेगी, है ना, या फिर टॉप में आपको हेक्सागोन दिखेगा, या फिर टॉप में आपको रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको वही चीज याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, कि आपका जो बेस है वो नीचे बनेगा और रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, ऊपर। जितने क्वेश्चन आपने हुए यही हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना, तो वही चीज आपको याद रखना। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका बेस बनाते हैं, जो हमारा हेक्सागोन प्रिज्म था उसका एकदम बेस। ठीक है, तो ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, एक्स बार, बहुत आसान है, 14 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक, और याद रखो मतलब फ्री के मार्क्स से कहा जाते थे, फ्री के मार्क्स बिल्कुल। ठीक है, तो ये करना आपको, अब आपको हेक्सागोन बनाने के प्रोसीजर पता है सभी को, सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल कितने का लिया जाता है, जितना आपको उसका बेस दिया है, इसका मैं बेस कितने का दिया आपको, 25 mm का दिया। ठीक है, 25 mm का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, 25 mm का रेडियस है। हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, इसका व्यास ड्रॉ किया, डायमीटर ड्रॉ किया, इसका सेंटर पॉइंट लिया यहाँ पे, क्लियर। अब हमें क्या करना है, जितना हमारा रेडियस था, ये दिख रहा रेडियस है ना, रेडियस लेके एक आर के दर लगाना, एक आर नीचे लगाना, यहाँ का रेडियस लेके एक आर के दर लगाओगे, एक आर, क्लियर। ये पॉइंट मिलेंगे आपको, इन सब पॉइंटों को मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, हेक्सागोन बनेगा। ठीक है, सबको आता है बनाना, और उसके बाद हमें रफ एक करना होता है सर्किल, है ना, इसको रफ करना होगा पूरा, ये कर नाम देना है, ए बी सी डी ई एफ। अब आप नाम कितने टाइम्स आएंगे, दो बार, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, दो बार नाम आएंगे, वो हमने दे दिया, है ना, इसका सेंटर निकाला हमने, सेंटर निकालने के बाद इसकी हाइट ले जाना, कितनी है ले जाना, हाइट 60 mm। ठीक है, हाइट कितनी ले जाओगे, 60 mm। इसका प्रोजेक्शन करोगे सबसे पहले यहां तक, ये दोनों सेम आएंगे वाले पॉइंट, ये वाले भी दोनों सेम आएंगे, हाइट 60 mm में, तो 60 mm तक ऊपर जाएंगे, क्लियर, इतना सबको आता है ना। अब ये चीजों को हम क्या कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड किया है, क्या किया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड किया है, और ये चीज हम किसमें करते हैं, देखो इसमें भी कर रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, यही हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी किया है, यही हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी किया है, यही हमने डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में किया है, समझ रहे हैं आप, तो ये समझो सीधे सीधे आपके चार क्वेश्चन जनरेट होते, चार टॉपिक से, है ना, क्लियर, 56 मार्क्स के यहीं से आ जाते हैं, बस अच्छे से एक बार सीख लो प्रोसीजर, समझ जाओ। अब हमें नाम देना है, तो ए डैश हो जाएगा, बी डैश, सी डैश, डी डैश, रिटर्न हो गया आएगा ई डैश और एफ डैश, इधर आएगा जी डैश, एच डैश, आई डैश, जे डैश, के डैश और एल डैश, हो गया। अब हम करते हैं, तो हमारा रफ हो गया, ठीक है, मतलब ये बनाना पड़ेगा। अब हमें करना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मतलब हेक्सागोन, ये तो 2D में बना है, हमें 3D में चाहिए ये चीज, ठीक है, 3D में बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो हमने अभी आपको बताया, या फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, जो आपके रेफरेंस लाइन हो, रेफरेंस लाइन पे कोई एक पॉइंट लेना, ठीक है, रेफरेंस लाइन पे क्या करना है, एक पॉइंट लेना, इस पॉइंट से दोनों साइड क्या करना आपको, 30-30 के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, दोनों साइड, इधर भी करना 30 का एंगल लेकर एक लाइन ड्रॉ, और इस साइड, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, और सेंटर से जाएगी जो कहलाएगी आपकी हाइट, मतलब जेड एक्सिस, क्या कहलाएगी, जेड एक्सिस, क्लियर, क्योंकि जो आपके सॉलिड शेप होते हैं वो आपके 3 एक्सिस में होते हैं, सभी को पता है ना, एक्स बाय और जेड एक्सिस में होते हैं, ठीक है ना, तभी वो 3D व्यू बनता है उसका, तो ये हो गया। अब देखो इसके पहले हमें क्या करना है, इधर से अगर हम इसको ऐसा एक्सटेंड करते हैं, तो देखो ध्यान से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
जो हमारा हेक्सागोन है वो एक स्क्वायर के अंदर बंद है, देखो ये देखो है ना, इसके अंदर बंद है, ठीक है ना। तो ये हमें करना पड़ेगा, इसका नाम देते हैं तो हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, हो जाएगा फोर, क्लियर ना। ये स्क्वायर के अंदर हमारा हेक्सागोन है, वन टू थ्री फोर हमने नाम दिया। अब वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। क्या करना है कि आप पहले वन से टू का लेंथ लो, ये वन से टू देखा यहाँ का लेंथ लिया, यहाँ पे जाके रखा, ठीक है, वन से टू का लेंथ लिया यहाँ जाके रखा, इसका नाम भी वही देना है वन, इसका नाम है टू, ठीक। अब टू से थ्री, कहा से टू से थ्री, टू से थ्री का डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ जाके इधर रखा, ये हो जाएगा टू से थ्री, टू थ्री। अब थ्री फोर, देखो वन टू और थ्री फोर सेम रहेगी, ठीक। तो क्या करना, या तो आप देखो इसका डिस्टेंस ले लिया आर लगा, या फिर सबसे सही तरीका होता है कि जो वन टू का डिस्टेंस लिया, अब यहाँ पर रखना रोलर, क्या रखना रोलर, रोलर को रोल करते जाओ, वहां रखना रोलर, इस एक्स एक्स पे रखना, ठीक है, इसको रोल करते जाना, और जैसे थ्री मिल जाए आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है ना, जो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, समझ रहे बात। अब आपको ये थ्री हो गया, फोर आपको पता नहीं कहाँ आएगा, अब हमें क्या करना है, अब जो टू और थ्री दिख रहा है, ठीक है, टू थ्री का डिस्टेंस दिख रहा है, इधर हमें रखना रोलर, उसको रोल करते जाओगे जैसे आपको वन वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, वन वाला पॉइंट मिलेगा, आप इसके पैरेलल की लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, जो इसके पैरेलल ले है और इसके समांतर ले, क्लियर ना, ये चीज रहेगी आप। तो हमने यहाँ पे कर दी, ये तो हमारे हमें बताया था आपको, जेड एक्सिस होती है उतना हाइट होती है, ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ ये कहलाएगा आपका फोर, क्या कहलाएगा, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं, नाम दे दिया हमने। अब क्या करना, अब आपको पता है इसकी हाइट कितनी दी है, 60 mm दी, क्लियर, तो आपको 60 mm जाना है, ठीक है, इधर से भी 60 जाओगे आप, इधर से भी 60 mm जाओगे आप, इधर से भी 60 जाओगे और इधर से भी 60 जाओगे, तो सेम है, जो नीचे बना सेम ऊपर बने, बनेगा कि नहीं बने, 60 mm जाओगे, इन सबको मिलाओगे आप, बना थ्री डी, ठीक है ना, ए बन गया आपका, क्या क्यूब बन गया, कहा क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया क्यूबॉइड, है ना। अब हमें बनाना है हेक्सागोन प्रिज्म, अब देखो आपको पता है जो वन और टू हमारी लाइन है कि नहीं, उससे वन से अगर हम कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस देखें तो थोड़ा अंदर हमें क्या मिल रहा है, एफ और एल मिल रहा है कि नहीं मिल, ठीक है, और जो वन और फोर वाली लाइन है उस पर हमें क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, है ना, फोर थ्री लाइन है उस पर बी एच मिल रहा है, आई सी मिल रहा है, और थ्री और टू वाई लाइन उस पर डी जे मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा, वही चीज हमें करना है यहाँ, ठीक है। वन टू पे क्या मिल रहा था आपका, एफ एल मिल रहा है, ठीक है, तो हम एफ एल का डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ। अब टू से देखो कुछ अंदर हमें ई के मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ई और टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो अब कितना अंदर है वो टू से हम यहाँ पे जाते हैं और हमें रखते हैं यहाँ पे ई, पहले हमें नीचे वाले को लेना है ए बी सी डी, नहीं नीचे वाले को हम लेते हैं जी एच आई जे के, है ना, तो यहाँ पे आपका एल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका के रहेगा, ठीक है ना, ऊपर को हम लेते हैं क्या ए बी सी डी, है ना, क्लियर, ए हो गया। अभी हालांकि हम डबल नाम लेकर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हमें सेम नाम देना है। अब देखो टू और थ्री लाइन में क्या देख रहा है, डी जे देख रहा है कि नहीं देख रहा, कितना दूर है, आपने यहाँ का डिस्टेंस मेजर किया टू से और यहाँ पे जाके चार्ज लगाया, जहां पे आएगा वो जाएगा आपका डी जे, क्लियर। अब देखो थ्री वाला, थ्री और फोर की लाइन है, तो थ्री और फोर में हमें देखो आईसी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कितना डिस्टेंस अंदर मिल रहा वो आपको देख करके यहाँ पे आकर लगाना थ्री और फोर वाली, थ्री और फोर पे क्या मिल रहा है, आईसी मिल रहा। अब देखो फोर से कुछ अंदर है बी एच है कि नहीं, कितना अंदर दूर अंदर है, तो हमें यहाँ पे मिला ये मिलेगा आपको बी एच, बी और एच। अब देखो वन और फोर में क्या है, ए जी है कि नहीं, अब ए जी कितना अंदर है, इतना डिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ का वन से लिया यहाँ पे रखा, ये हो जाएगा आपका ए जी, क्लियर ना। सेम हमारे ऊपर रहे, मतलब वन टू थ्री फोर है तो वन टू थ्री ये भी रहेगी कि नहीं रहेगी सेम। अब जो आपको एफ एल दिख रहा है यहाँ पे वही यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा सेम, कितना अंदर है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा आपका एफ होगा, क्योंकि ए बी सी डी के अंदर एफ आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा टू के अंदर ई, कितना डिस्टेंस दूर है वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा, उसका नाम रहेगा ई,
यहाँ पे थ्री और टू की लाइन में देखो डीजे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा डी रहेगा, क्या रहेगा डी हो जाएगा डी। इसके बाद आप थ्री और फोर वाई लाइन में देखो, यहाँ पे थ्री आई सी है तो यहाँ पे क्या रहेगा सी, क्या रहेगा सी। फोर से अंदर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको बी। अब वन और फोर में मिलेगा ए, कितना डिस्टेंस दूर है वो यहाँ पे लगाए हो जाएगा देखो ए बी सी डी ई ए, आ गया कि नहीं आ गया, इन सबको मिलाना है आपको। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया, ये बन गया हेक्सागोन ऊपर वाला। नीचे वाला रहेगा वो कौन सा रहेगा जी एच आई जे के एल वाला रहेगा, हम यहाँ से ये वाले हटा देते हैं एफ वाले, एफ ई है ना, इधर से डी, इधर से सी, इधर से बी और इधर से ए। नीचे मिलेगा आपको क्या जी एच आई जे के एल है ना, ये मिलेगी। ठीक है, ये मिला दिया हमें, क्लियर। अब हमें क्या करना है इसके एक्सेस को मिला, ठीक है ना, तो कौन कौन से एक्सेस जुड़ेंगे वो यहाँ पे पता चलता है ना, जो ये पॉइंट ए जी मिलेगा, ए और जी कहाँ दिख रहा है, ए और जी है। अब देखो ये अंदर भी हो सकता है बाहर भी, आप देखना ठीक है ना, ध्यान दिया ए जी मिला दिया। उसके बाद बी एच मिलाना है, तो बी एच कहाँ दिख रहा है आपको, बी एच ऊपर वाली लाइन दिख रही है, हालांकि ये दिखेगी नहीं तो हम ऐसा कर देगा। आई सी आई सी आई सी सी ए और आई ए मिला दिया है ना, ये तो दिखेगा आपको सही पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलेगा क्या डीजे मिलेगा, ठीक है, तो डी ए दिख रहा है और जे ए दिख रहा है, ये भी ठीक। उसके बाद आपको क्या मिलेगा ई के मिलेगा, ई के ई और के, ये भी दिखेगी आपको, और मिलेगा आपको एफ है, एफ और एफ, ठीक है, ए है लास्ट की लाइन, एफ है, क्या नहीं दिखेगा आपको, ये नहीं दिखेगी है ना, और ये तो हमने हेडर कर ही थी वो भी नहीं दिखेगी आपको, और कौन सी नहीं दिखेगी आपको, वो तो दिख रहा है, अब ये नहीं दिखेगा आपको अंदर, ठीक है ना, ये चीज नहीं दिखेगी, समझ रहे ना, इस प्रकार से बनाना। इसको डार्क करोगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे क्या बन गया, हेक्सागोन प्रिज बन गया, ठीक है। पेन भी चल रहा है, इसको मैं डबल कर रहा था डार्क, ठीक है, क्लियर ना, इस प्रकार से बनाना होता है। और उसके बाद जो हमने पहले क्या बनाया था, बॉक्स बनाया था ना, है ना, वन टू थ्री फोर वाला, इतना हल्का बनाना कि आपको देखा जाए समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने बनाया, ठीक है। जैसे देखो वन टू थ्री फोर, नीचे वन टू थ्री फोर, बहुत ही लाइट बनाना, ठीक है, बहुत ही लाइट, ठीक है। सबसे डार्क क्या चलेगा आपका, जो हमें बनाना था हेक्सागोन प्रिज, क्लियर ना, इस प्रकार से बनाना है, बनाओ। थैंक यू।